हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, आज हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं? द ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप पढ़ते भी आ रहे हो ट्वेल्थ क्लास में, कोई भी मैट्रिक्स लाते हैं रॉ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, हमें आर वन को इंटरचेंज करना है आर टू से। मैट्रिक्स में अगर हम रो फर्स्ट को रो सेकंड से इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अप्लाई करते हैं दिस। ठीक है, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसको हम क्या लिखेंगे, हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं एम क्रॉस एन की, तो इसको हम आई और जे से शो करेंगे। आर आई को आर जे थ्रो से आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो यहाँ से क्या इसको हम लिखेंगे, सिंपल आर आई कॉमा जे। दैट मीन्स आई एथ रो को जी एथ रो से हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको ये याद रखनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 अगर हम ये मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 की, हम ये रो फर्स्ट हो गया, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं आर वन 2 × R1। R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, चेंज किस में होगा, R1 में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो भी चेंज होता है दिस इज चेंज इन R1। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारे पास अगर हमें किसी रो से मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप लिखोगे आर आई के ओ आर आई, मतलब कि हमें आई एथ रो से आई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, या 3x3 है तो हमारे पास आई की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, तो अगर हमें आई एथ रो को के से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लिखते हैं आर आई, एरो लगाते हैं, दैट मीन्स के से मल्टीप्लाई करके चेंज हमारा आई थ्रो में ही होगा। इसको आपको लिखना है, जो शॉर्ट फॉर्म है आपके पास, इसको आप लिखोगे आर आई के, आर आई के। इसका मतलब है कि आई थ्रो को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इज, अगर हमें यहाँ पे करना हो आर टू प्लस 2R1। ठीक है, आर वन को 2 से मल्टीप्लाई करके आर टू में ऐड करना है, और चेंज किससे पता चलता है, जो हम एरो लगाते हैं। अगर हमने आर टू एरो ऑफ दिस ऑपरेशन लिख दिया तो आर टू में चेंज होगा, और अगर आर वन एरो लगा दिया हमने दिस ऑपरेशन लिख दिया तो ये आर वन में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि आर टू प्लस 2R1, आर वन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने R1 को 2, और ऐड करना है R2 में, तो फर्स्ट रो तो आएगी एज इट इज, चेंज होगा हमारा R2 में सेकंड रो में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 प्लस 4 इज अ 6, 4 4 प्लस 6 इज अ 10, 6 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 को। ठीक है, 6 और 7, एंड थर्ड इज एज इट इज, तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर आई आई एथ रो में चेंज होगा, आर आई प्लस के इंटू आर जे, जे एथ रो को के से मल्टीप्लाई किया और आई एथ रो में ऐड कर दिया, चेंज कर रहे हैं हम आर आई में, तो इसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे, आर आई कॉमा जे इंटू के। अगर हमें जे एथ रो को मल्टीप्लाई करना है के से तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, जे इसका मतलब हो गया आर आई प्लस जे एथ रो को के से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखनी है, सिंपल आपको ऑपरेशन दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे आर थ्री इंटू 2, दैट मीन्स आर रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास अगर ये नोटेशन आती है
फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं R1, 3 × 5, इसका क्या मीनिंग रहेगा? इसका मीनिंग रहेगा R1 + R3 × 5, मीन्स थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट में ऐड कर दो। चेंज किस में जाएगा? R1 में जाएगा, ith रो, ठीक है, ith। तो ये आपको याद करने अच्छे से, ये ऑपरेशंस जो है मैट्रिक्स पे लगाने आएंगे। ये हो गया आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मैट्रिक्स में हमने रो में चेंज किया, रो पे ऑपरेशन लगाए, तो इनको बोलेंगे रो एलिमेंट्री। अगर रो रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो, ओनली रोज पे ऑपरेशन लगा रहे हो, तो इसको बोलेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। अगर हमें कॉलम इंटरचेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने रो किया है सेम टू सेम, सी आई कॉलम को हम सी से डिनोट करते हैं, इंटरचेंज सी जे के साथ, तो इसकी ये नोटेशन कैसे लिखेंगे, सी आई जे, सी आई कॉमा जे का मतलब है कि हम इनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ इज सी आई, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के साथ किसी कॉलम को, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सी आई इंटू के। अगर सी आई इंटू के का मतलब आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस के से सी आईथ आईथ कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के साथ, ठीक है। सिक्स्थ इज सी आई, सी आई प्लस के इंटू सी जे, jth कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके हमें ith कॉलम में ऐड कर देना है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, c i j इंटू k, ये k j से मल्टीप्लाई होगा, jth कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और ith कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो ये नोटेशंस शॉर्ट नोटेशंस है आपके पास, ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली याद करनी है। जो लास्ट थ्री हैं ऑपरेशन कॉलम वाले, इनको बोलेंगे कॉलम एलिमेंट्री, और जो रो पे हमने अप्लाई किए हैं इनको बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एग्जांपल, फर्स्ट अप्लाई द गिवन रो ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो सिंपल है, R1 एरो R1 + 2 R2, दैट मीन्स R1 में चेंज होगा, हमें सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगी, चेंज हमारा R1 में हो रहा है, ठीक है। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और R1 में ऐड कर देना है 7। सेकंड रो को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 4 और 2 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, 2 + 3 इज अ 5, बाकी हमारे पास एज इट इज हो जाएंगे 1 2 1, ये हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग था, R1 R2 से इंटरचेंज, R2 R1 से, दैट मीन्स रो फर्स्ट को लिख देंगे सेकेंड रो में और रो सेकेंड को लिख देंगे फर्स्ट रो में, 1 2 3 1 2 1, ये आ जाएगा। थर्ड इज R2, चेंज किस में बता रहे हैं, R2 में, क्या चेंज करना है, R2 + R1 - R3, R2 + R1 दोनों रोज को, लास्ट की टू रोज को, फर्स्ट टू रोज को ऐड करके थर्ड में से माइनस करना है और चेंज होगा R2 में, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, 1 2 3 एंड लास्ट रो 1 2 1, ये तो रहेंगे एज इट इज, चेंज हमारा R2 में हो रहा है। फर्स्ट टू रो को ऐड कीजिए, 3 + 1 = 4 और R3 माइनस कर दीजिए, 3 + 1 = 4 और इसमें से 4 में से 1 माइनस करेंगे आ गया 3। देन नेक्स्ट इज 2 + 2 = 4 और 2 माइनस करेंगे वापस 2 आ जाएगा, 3 + 1 = 4 - 1 = 3, ऐसे करना है आपको ये। एग्जाम्पल सेकंड, अप्लाइंग द फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू द मैट्रिक्स दिस, ये मैट्रिक्स गिवन है, इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए। R2 3 रोटेशन अभी हमने पढ़ा था, क्या मीनिंग था इसका, R2 3 का, दैट मीन्स R2 को हमें इंटरचेंज कर देना है R3 में, ठीक है। R2 R3, दिस इज R2, दिस इज R3, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 1 + i 0 2 i 3, और ये आ जाएगा थर्ड रो को 2 के साथ चेंज कर देंगे 3 i 0 0 i 5 एंड 6।
C12 दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग था, सी फर्स्ट यानी कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज कर देंगे सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट में चेंज कर देंगे आयोटा 5 और ये सेकंड बन जाएगा 1 प्लस आयोटा 0 4, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा 2 आयोटा 5 3 आयोटा 3 6 0, ठीक है। दैट मीन्स R1 आयोटा मतलब R1 इंटू आयोटा, इसका मीनिंग है कि R1 फर्स्ट रो को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और चेंज कहाँ हो रहा है R1 में। तो इसको आप लिखोगे R1 आयोटा इंटू R1, फर्स्ट रो को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, दिस इज़ माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस 2 और 3 आयोटा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो को अप्लाई हो जाएगा, चेंज कर रहे हैं R1 में, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। C23 दैट मीन्स कॉलम सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है, चेंज किस में जाना है, कॉलम 2 में, कॉलम 2 को हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम को 3 से, तो आपके पास सेकंड कॉलम दिस इज, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारी एज इट इज आ जाएगी। R132 दैट मीन्स R1 प्लस R3 इंटू 2, R132 अभी हमने पढ़ा था पीछे, इसको हम क्या लिखेंगे, R1 में चेंज होगा, R1 प्लस R3 थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा, तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड कर देंगे, चेंज कहाँ पे होगा, R1 में चेंज होगा, ठीक है। लास्ट इज C32 आयोटा, दैट मीन्स C3 कॉलम 3 में चेंज होगा और C3 प्लस C2 इंटू आयोटा, कॉलम सेकंड को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, C3 में ऐड कर देंगे और पूरा चेंज हमारा कॉलम 3 में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या फिर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या होती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 5 4 6 5 8, हमने ले ली 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। इस पर हमने अप्लाई किए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, हमने लिया R2 इंटू 2, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, हमने R2 में चेंज किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 to 1 फर्स्ट रो इज एज इट इज, सेकंड को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 10 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से 6 5 8, ये जो मैट्रिक्स आई है आपके पास ये हो जाएगी R एक रो इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स में चेंज किया है, तो ये मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू दिस, तो बी मैट्रिक्स हमने कैसे मिली, ए मैट्रिक्स पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किए, देन हमारे पास नई मैट्रिक्स आई है, इसको हम बोलेंगे बी इज अ रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए। कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बताते हैं, तो हम ए मैट्रिक्स पे ओनली कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं C3 C1 प्लस C3, ओके। तो इसमें हम अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारे पास बी मैट्रिक्स आएगी, C3 में चेंज कर रहे हैं तो 2 कॉलम एज इट इज़ 2 5 8 5, और हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देना है 1 1 और 2 7 एंड 14, 2 7 और 14। ये जो नई मैट्रिक्स बन के आई है, या तो आप एक ऑपरेशन अप्लाई करो, कितने भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ओनली कॉलम ऑपरेशन होने चाहिए, उसके बाद जो हमें हमारे पास मैट्रिक्स चेंज होकर आती है, ए मैट्रिक्स पे अप्लाई किया हमने, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, दैट मीन्स बी इज इक्विवेलेंट टू ए
कॉलम इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, और रो इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और अगर सिंपल पूछा जाए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, देन कोई भी मैट्रिक्स हम ए मैट्रिक्स में गिवन है, इस पर आप एनी ऑफ द अदर रो एंड कॉलम ऑपरेशन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। रो एकेलन मैट्रिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रो एकेलन मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन ऑर्डर के लिए हमने ये ऑर्डर है इसका एम क्रॉस एन, इसको हम रो एकेलन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, फर्स्ट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो का मतलब धीरे धीरे समझना है बाय स्टेप टू स्टेप। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट दिस इज, ये हमारा वन होना चाहिए, ठीक है। रो इज यूनिटी विच इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ रो, इस वन को हम बोलेंगे लीडिंग एंट्री। देखिए हर एक जो आपके पास नॉन जीरो रो है ये हमारी जीरो रो है, कंप्लीट इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी हमने जीरो बना रखे हैं, यहाँ पे भी जीरो, ये पूरी की पूरी नॉन जीरो रो है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए। अगर यहाँ पे वन नहीं है तो ऑपरेशन अप्लाई करके हमें वहाँ वन बनाना है, ठीक है। सेकेंड कहता है ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसेड द जीरो रोज, नॉन जीरो रोज जो है आपके पास वो प्रीसीड करनी चाहिए जीरो रोज से। नॉन जीरो रोज जैसे फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल में देखते हैं, जो सेकंड रो है हमारे पास कंप्लीट एलिमेंट अगर जीरो आते हैं तब हम इसको जीरो रो बोलते हैं, जैसे इसको बोलेंगे हम जीरो रो क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर कोई नॉन जीरो रो है आपके पास तो उससे जो नेक्स्ट बाद वाली जो जीरो रोज है वो आपकी कंप्लीट जीरो होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इज द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरो इन सक्सेडिंग रोज। दैट मीन्स इसमें देखते हैं हम, फर्स्ट रो हमारे पास ये लीडिंग एंट्री इज अ वन, ठीक है। सेकेंड रो इसमें हमारे पास टू जीरोज है, यहाँ पे देखिए टू जीरोज, इसमें थ्री जीरोज है, इसके बाद नॉन जीरो नंबर वन, यहाँ पे हमें इसके बाद जो नॉन अगर जीरो नहीं बन रहा है तो हमें यहाँ पे वन बनाना है, इसके बाद हमारे पास थ्री जीरोज हैं, लास्ट में पूरी रो जीरो है। तो हम कहने का मतलब ये है पे इसका कि अगर आपके पास इसमें थ्री जीरो हैं तो पहले वाले में इससे कम होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरोज इज लेस देन होने चाहिए थर्ड रो से, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे रोज आगे चलती जाएंगी, लास्ट रो में सबसे ज़्यादा है, इससे जस्ट पहले में इससे कम है, इससे पहले वाले में इससे कम है, और फर्स्ट में हमारे पास एक भी नहीं है। तो रो एकेलन मैट्रिक्स जब आप बनाओगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर लीडिंग एंट्री हमारे वन होना चाहिए, ये नॉन जीरो रो होगी। नेक्स्ट जब हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाया, ये जो आपके पास वन बनाया इसके अपॉन जितनी भी रोज हैं वहाँ पे आपको हर एक नंबर पे ज़ीरो बनाना है, ठीक है। देन ये हमारी कंप्लीट जीरो रो, जितनी जीरो रोज बन सकती हैं ऑपरेशन अप्लाई करके हम उनको जीरो बनाते जाएंगे। मान लें कि हम इस एग्जांपल में थर्ड रो हमारी ज़ीरो है, ठीक है, इसमें पूरी की पूरी ज़ीरो, इससे पहले वाली रो में इससे कम जीरोज होने चाहिए, इससे पहले वाली में इससे कम जीरोज होने चाहिए, समझ गए। हर एक में देख सकते हो आप ऐसे ही है, यहाँ पे हम जीरो नहीं बना सकते, तो जीरो जीरो इसके बाद जो नंबर होगा वहाँ आपको वन बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फाइव होता तो हम क्या करते, रो थ्री में ऑपरेशन लगा देते, रो थ्री को फाइव से डिवाइड कर देते तो हमारा यहाँ पे वन आ जाता, ठीक है। तो जीरोज जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, अगर हम जीरो नहीं बना सकते यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा वन होना चाहिए। लीडिंग एंट्री इज अ वन, देन जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हैं सेकंड में एक है तो थर्ड में इसे ज़्यादा होने चाहिए जीरोज, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम रो एकेलन मैट्रिक्स। साथ है कॉलम एकेलन मैट्रिक्स। कॉलम एकेलन क्या होता है, ये हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, कॉलम एकेलन मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो कॉलम इज यूनिटी। वही जैसे हम रो में देख रहे थे, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास वन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, ये हमारे पास कॉलम्स चल रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए,
ऑल जीरो कॉलम आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक्स. जितने भी हम जीरो कॉलम बनाएंगे वो सारे हमारे राइट में होने चाहिए. दिस इज़ द जीरो कॉलम. अगर हम यहाँ पे बना सकते हैं तो कंप्लीट जीरो कॉलम हम इधर बनाएंगे. ये पूरा का पूरा कॉलम जीरो नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो जितने भी जीरो कॉलम होंगे वो हमारे राइट पे होने चाहिए. द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोस इन द सक्सेडिंग कॉलम. लीडिंग एंट्री हमारे पास वन है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस इसके आगे जितने भी कॉलम आएंगे सक्सेडिंग कॉलम आएंगे इसके आगे वाले इन इसमें जो वो कम जीरो होने चाहिए कंपेरिजन सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम देखो इसमें हमारे पास एक भी जीरो नहीं है, इसमें टू जीरोज़ हैं. ठीक है, अगर सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो सेकेंड कॉलम में टू जीरोज़ हैं और थर्ड में थ्री जीरोज़, फिर फोर्थ कॉलम में सारे जीरोज़ हैं. तो क्या देखना है हमें, जो लीडिंग एंट्री हमारे पास ये हमारी लीडिंग एंट्री हो गई, इसमें जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं नेक्स्ट कॉलम से कम होने चाहिए. इसमें जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे वो नेक्स्ट कॉलम से कम होनी चाहिए. तो इस तरह से आप ये जो फॉर्म निकल के आती है इसको बोलते हैं कॉलम अकेलन मैट्रिक्स. कॉलम अकेलन और रो अकेलन फॉर्म हमें मैट्रिक्स किस लिए चाहिए, रैंक फाइंड आउट करने के लिए. अगर हम इस रो हमने इसको चेंज कर लिया है, मतलब ये एग्जांपल है कॉलम अकेलन मैट्रिक्स का. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो रो कॉलम आपके पास आएंगे, जितने भी अगर कॉलम अकेलन फॉर्म बना रहे हो तो जितने नॉन जीरो कॉलम्स हैं वो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो कॉलम कितने हैं, थ्री, तो थ्री इज़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये जो आपने फॉर्म बनानी है ये रैंक फाइंड आउट करने के लिए बनानी है. पिछले साइज में हमने रैंक निकाले थे मैट्रिक्स के, किसका यूज़ किया था हमने, माइनर्स का यूज़ किया था, माइनर फाइंड आउट किए थे. ठीक है, जितने भी ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आया था भाई उस मैट्रिक्स का रैंक था. यहाँ पे हम सिंपल रो अकेलन और कॉलम अकेलन फॉर्म बना के भी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं. रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द रो अकेलन फॉर्म एंड फाइंड द रो रैंक. रो रैंक का मतलब अगर हमें रो रैंक फाइंड आउट करना है तो हमें वहाँ पे रो अकेलन फॉर्म बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो रो अकेलन फॉर्म कैसे बनानी थी, जो लीडिंग एंट्री है आपके पास रो की वो हमारे पास वन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, तो ये हमें गिवन ही है. इसके बाद जो इस लीडिंग एंट्री से नीचे के जो नंबर है ये सारे के सारे हमारे जीरो होने चाहिए. तो ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि तीनों नंबर हमारे पास जीरो बन जाए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर टू को इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, आर टू प्लस कर देंगे टू इंटू आर वन. आर वन को टू से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा. इसको जीरो बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, आर थ्री में चेंज करना है, आर थ्री प्लस थ्री आर वन. इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया और एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, आर वन माइनस आर फोर, आर फोर माइनस आर वन. तो देखिए क्या आ जाएगा इसके इसके बाद, वन टू थ्री फोर, ये एज इट इज़. यहाँ पे हमें रो अकेलन फॉर्म बनानी है तो वन के नीचे हमारे जीरो होने चाहिए, रो रिड्यूस फॉर्म भी बोलते हैं इसको. ये हो जाएगा टू, टू से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड करेंगे जीरो, थ्री से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड करेंगे दिस इज़ ऑल्सो जीरो, और इसमें से फोर्थ कटाओगे तो जीरो. अब यहाँ पे हमने इसको सेकंड से जो आपके पास आर टू में चेंज था उसको टू से मल्टीप्लाई किया था, दिस इज़ अ फोर और माइनस थ्री प्लस फोर कितना बना, वन माइनस फोर, और यहाँ पे फोर बना, टू से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज़ फोर, ऐड करेंगे जीरो. ओह सॉरी, थर्ड में क्या चेंज करना है, पहले सेकंड के कर लीजिए कंप्लीट. हमें इसको टू से मल्टीप्लाई करके छः और एक सात, और टू से आठ और दो दस, ये आ जाएगा. आर टू सॉल्व हमारी, आर थ्री देखते हैं. आर थ्री में करना है थ्री आर वन प्लस आर थ्री, तो आर थ्री इसको तीन से मल्टीप्लाई करो और आर थ्री में ऐड करते जाइए. छः, छः में चार ऐड करेंगे टू, यहाँ पे आपके पास नौ, नौ और पाँच चौदह, दिस इज एट एंड एट सिक्सटीन. ठीक है, आर थ्री में ऐड कर दिया. लास्ट में इसमें से माइनस करना है, वन माइनस वन इज अ जीरो, और चेंज किस में आ रहा है, आर फोर में. आर फोर माइनस आर थ्री, आर वन कर रहे हैं तो थ्री माइनस टू इज अ वन, टेन माइनस थ्री इज अ सेवन, एंड फोर्टीन माइनस फोर इज अ टेन. ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि हम कितनी यहाँ पे जीरोस बना सकते हैं, जो रो है आपके पास इनको आपको जीरो बनाना है. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो सेकंड और फोर्थ रो सेम दिख रही है आपको, तो इसमें से हम क्या करेंगे,
आर फोर को आर फोर में से आर टू घटा देंगे, ठीक है। आर फोर में से हमने आर टू माइनस किया, और अगर हमें ये भी जीरो बनाना हो तो टू, अगर मैं इसको टू से नहीं, फोर्टीन यहाँ पे क्या बन रहा है, आर थ्री में था ना, बारह और आठ बीस आएगा, यहाँ पे ट्वेंटी आएगा। आर इसको हमने तीन से मल्टीप्लाई किया, ट्वेल्व और प्लस एट ट्वेंटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं कि आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, आर थ्री माइनस टू आर टू, सेकेंड रो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और आर थ्री में से माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगी हमारे पास। तो इस किसकी इक्वल आएगी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, फोर और थ्री में चेंज है, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए, टू थ्री फोर ज़ीरो वन सेवन टेन, चेंज आ रहा है हमारा आर थ्री, इसको दो से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, टू माइनस टू इज़ ज़ीरो, फोर्टीन माइनस फोर्टीन ज़ीरो, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। आर फोर को कह रहे हैं हम आर टू में से माइनस कर रहे हैं, सेम रो है आपके पास दो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, ठीक है। क्या ये आपके पास बन गई रो अकेलल फॉर्म, क्या चेक करना है, दोनों ज़ीरो आ जाए, इससे पहले की जो रो है यहाँ पे जीरो के बाद जो नंबर होगा वो हमारा वन होना चाहिए, अगर यहाँ पे वन नहीं होता तो हमें वन बनाना पड़ता, ठीक है। इसके बाद जीरो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे अगर हम और जीरो बना सकते हो तो और भी बनानी होती है, अगर मान लो हमारे पास दो रो जीरो आ गए, अगर आप थर्ड को भी बना सकते हो तो थर्ड को भी जीरो बनाना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिससे सेकंड रो जीरो बन जाए, नहीं बनेगी, ठीक है। तो वन लीडिंग एंट्री वन कंप्लीट, इसके जितने भी इसके नीचे नंबर आएंगे, जितने भी रोज आएंगी, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे, सेकंड नॉन जीरो रो हमारे पास ये है, इसका जो सेकंड नंबर है ये भी हमारे पास वन होना चाहिए, एंड लीडिंग एंट्री इसकी ये तो जीरो हो चुका, इसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारा वन होना चाहिए, इसके अपॉन में जितने नंबर हैं सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो कितनी रोज है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो हमारे पास नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज टू, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, ये आ जाएगा रैंक। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें रो अकेलन या कॉलम अकेलन, जैसे ही रो अकेलन मैट्रिक्स बनाते हो आपको ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करने, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने, जब हम कॉलम अकेलन फॉर्म बनाएंगे तब हम कॉलम जो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते। रिड्यूस टू रो अकेलन फॉर्म एंड फाइंड रैंक, ए मैट्रिक्स दे रखी है इसको रो अकेलन फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। पहले सबसे पहले हमारे पास क्या था कि जो लीडिंग एंट्री होती है हमारे पास वन होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे वन बनाना पड़ेगा, बट इसको हम लास्ट में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इसको टू से डिवाइड करेंगे कंप्लीट रो को, रो अकेलन बना रहे हो तो रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे ही मैं इसको टू से डिवाइड करूँगी फ्रैक्शन में आ जाएगा, बाकी जगह जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाकी रोज पे तो फ्रैक्शन में बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम लास्ट में वन बना देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो लीडिंग एंट्री है उससे नीचे वाली सारी लिमिट को जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आर टू में से आर वन सॉरी थ्री में से आर थ्री माइनस आर वन, आर फोर माइनस आर वन, क्या आ जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी टू माइनस वन थ्री फोर ज़ीरो थ्री फोर वन, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, टू में से टू माइनस करेंगे जो ज़ीरो, थ्री माइनस वन को प्लस वन हो जाएगा, दिस इज़ अ फोर, क्योंकि हम ऑपरेशन लगा रहे हैं थ्री में से वन माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेवन माइनस थ्री इज़ अ फोर, फाइव माइनस फोर इज़ अ वन, टू माइनस टू इज़ ज़ीरो, फाइव माइनस वन माइनस में से माइनस वन अप्लाई करेंगे सिक्स, इलेवन माइनस थ्री एट, सिक्स माइनस फोर इज टू, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, जितनी आप जीरोस बना सकते हैं यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाए हमारे पास, लास्ट रो ज़ीरो बन जाए। सेकंड रो को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकेंड रो को टू से मल्टीप्लाई करके फोर में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आर फोर, आर फोर माइनस टू आर टू, क्या फॉर्म बनेगी, टू माइनस वन थ्री फोर, ज़ीरो थ्री फोर वन, ज़ीरो फोर फोर वन, यहाँ पे हमने
इससे 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 0, दिस इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक रो हमारी 0 बन गई, अगर हम बना सकते हो तो लास्ट यानी कि थर्ड रो को भी 0 बनाएंगे, अगर यहाँ पे हम ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं जिसको हम अप्लाई करें और थर्ड रो हमारी कंप्लीट 0 आ जाए, ठीक है। तो इन नंबर्स को जितना भी 0 बना सकते हो, ये एंड कोई भी नंबर आपको 0 बनाना है, मेनली ऑफ दिस नंबर, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करना है कि ये 0 भी ख़त्म ना हो और यहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि ये हमें एज इट इज 0 रखना है। तो आर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 एंड आर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट रो इज एज इट इज 2 माइनस 1 3 4। आर 2 में चेंज किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 12 16 एंड 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 12 एंड 3, और लास्ट रो हमारे पास 0, ठीक है। अब इसमें से माइनस करके हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं, माइनस करते हैं आर 3, आर 3 माइनस आर 2, 2 माइनस 1 3 4 0 12 16 एंड 4, आर 2 में से आर 3 माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 12 इज 0, 12 माइनस 16 दिस इज माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 1, 3 माइनस 4 इज अ माइनस 1, और लास्ट रो हमारी चल रही है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और जैसे ही रो अकेलन फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा 0 होना चाहिए, अब हम इस सॉरी 1 होना चाहिए, अब हम इसको 1 बनाएंगे, बाकी हम कोई भी 0 नहीं बना सकते आगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करें और हम यहाँ पे 0 बनाएं, नहीं कोई नहीं बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लीडिंग एंट्रीज़ को 1 बनाना। सबसे पहले रो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे हम 2 से, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 2 से डिवाइड करा हमने या 1/2 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है, 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे माइनस हाफ, आगे 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, दिस इज 2, बाकी सारे का सारा सेम रह जाएगा, 12 16 4 0 0 माइनस 4 माइनस 1 0 0 0 0। क्या रो अकेलन फॉर्म बन गई है, नहीं जी, फर्स्ट रो का लीडिंग एंट्री हमने 1 बना ली, बट जो सेकंड रो हमारी नॉन जीरो रो है उसका भी लीडिंग नंबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, यानी कि डिवाइड करेंगे आर 2 को 12 से, क्या नंबर आएगा यहाँ पे, 1000, मतलब हमें इसको 12 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़, इसको 2 से डिवाइड सॉरी 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0, इसको 12 से डिवाइड करोगे 16/12 4/3 दिस इज 1/3 एंड 0 माइनस 4 माइनस 1 0 0 0। क्या अब ये बन गई हमारे पास 1, अब रो अकेलन फॉर्म बन गई, जी नहीं अभी भी रहती है, क्या रहता है, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, सेकेंड रो का नॉन जीरो नंबर, जीरो तो ये है ही नॉन जीरो नंबर, हमने 1 बना लिया, थर्ड रो में जो नॉन जीरो नंबर है वो माइनस 4 है, इसको भी आपको 1 बनाना है। तो यहाँ पे हम करते हैं आर थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ 3/2 2 0 1 4/3 1/3 0 0 1, जैसे ही माइनस 4 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और लास्ट रो आपके पास है 0 0 0। रो अकेलन मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट जो है 1, इसके अपॉन में जितने भी नंबर होंगे आपको सारे 0 बनाने हैं, सेकंड नॉन जीरो नंबर दिस इज 1, यहाँ पे भी आपको 1 बनाना है, नीचे के एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए,
जो आपके पास सक्सेडिंग रोज है ज़ीरो। थर्ड नॉन जीरो एलिमेंट इज ऑल्सो वन, यहाँ पे भी वन बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ रो इसके इसके जो अपॉन में जो एलिमेंट है फोर्थ रो का, वो भी हमारा जीरो होना चाहिए, और लास्ट में हमारे पास जीरो है। तो ये बनेंगे आपके पास रो रिड्यूस्ड फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं नॉन जीरो रोज कितनी है। नॉन जीरो रोज हमारे पास वन टू थ्री, क्योंकि इसमें हमारे वन और वन बाय फोर इज अ नॉन जीरो, तो एक ही रो है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट आर जीरोज। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, थ्री, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक इज थ्री एंड दिस इज द रो एकेलन फॉर्म। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करें हम कॉलम रिड्यूस्ड। यहाँ पे जैसे हमने रो रिड्यूस फॉर्म की है, रो एकेलन फॉर्म बनाएंगे, सेम टू सेम हम कॉलम एकेलन फॉर्म बनाएंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।